ये यहाँ पर मैंने छाली जमा करके रखा था, अभी इसे हम क्या करेंगे मिक्सी में चला लेंगे। तो उसे चलाने के बाद ये पानी छोड़ देता है, दिखाते हैं इसका हम लोग घी निकालेंगे। पीसने से इस तरह से होते जाता है, इसी को हम लोग और चलाएंगे। देखिए इसमें आप लोग को दिखेगा कि कैसे ये छाली अलग हो गया है, ये घी अलग हो गया, यही इसका, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे घी बनाने में। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक जाली लेंगे और छान देंगे। ये जाली में हमने इसको छान दिया है, छानने के बाद इसको हम लोग ये वाला कढ़ाई में कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा सा पानी इसका कट जाएगा, तब उसी तरह से सारा घी हम लोग सारा छाली हम लोग मिक्सी में डाल के मथ लेंगे। मैंने निकाल लिया छाली, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता में निकालना है, आप महीना महीना दिन भी स्टोर करके आराम से निकाल सकते हैं, तब आपका कुछ घी निकलेगा। आइए पानी को भी हम लोग इसको फेंकेंगे नहीं, इसका क्या करना है मैं बताती हूँ। चलिए गैस पर हम आ गए किचन में, ये जो लास्ट था इसको भी हम लोग डाल लेंगे इसमें। डालने के बाद में ये जो पानी था हम लोग इसमें डाल, ऐसे इसमें भी करने से हो जाएगा लेकिन हम लोग बड़ा वाला में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गैस पे चढ़ा देंगे दोनों को। दोनों को गैस ऑन कर लेंगे, इसका वाला हल्का कम और इसका ज़्यादा ही रखेंगे, इसको उबलने तक छोड़ेंगे। जब ये उबल जाएगा तो इसको हम लोग हल्का बंद कर देंगे। आगे दिखाते हैं, चलिए तब तक आते हैं दूसरा काम। जैसे कि ये गर्म हो चुका है, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को कुछ, इसको हम क्या करेंगे अभी दिखाते हैं। ये जैसे है ना, इसको अभी बंद कर देंगे, अभी तुरंत हम लोग फ्रेड नहीं करेंगे, इसको हम लोग गैस को बंद कर देते हैं, अथवा ठंडाने के बाद में इसको हम लोग छान लेंगे। इसमें स्पिल होने का डर है तो इसको मैं बड़ा कढ़ाई में कन्वर्ट कर देती हूँ। चलिए कर देते हैं, अब ये इसमें ठीक है, स्पिल नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा उबलता है तो फेंकता है घी, इसलिए इसमें ये सेफ है। इसको हम लोग इसमें छान लेंगे, देखिए थोड़ा सा ठंडाने के बाद ये पूरा जम जाता है, तब जाके पूरा निकल जाता है। देखा आप लोगों ने, अब इसका हम लोग सब्जी कुछ नहीं, प्याज और हरा मिर्च भूंज के नमक हल्दी डाल के इसको डाल के, और आपको धनिया पत्ता डालना है, टमाटर डालना है, कुछ भी डालना है, उसके साथ में पनीर का भुर्जी जैसे बनाते हैं वैसा इसको बना सकते हैं, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। देखिए झाल झाल हो रहा है, मतलब घी अब ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे कलर आ रहा है इसका, और कुछ देर बस ये घी तैयार हो जाएगा। ये जैसा कि देख रहे हैं कि ब्राउन ब्राउन कलर आ चुका है, तब इसे हम गैस को बंद कर देंगे और कुछ देर में इसको छान लेंगे। ये जैसा कि थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, ये कैन लेंगे, एक छन्ना लेंगे और उसको इस तरह से डिप कर करके डालते जाएंगे कैन में। सीधा डालेंगे तो गिर सकता है, इसलिए एक कलछुल का मदद से हम लोग इसको निकालते जाएंगे। इस तरह से हम लोग सारा घी निकाल लेंगे, आप लोग को दिख रहा होगा कि कितना अच्छा से ये घी निकल रहा है। आगे और भी एक नया ट्विस्ट है, मैं बताऊंगी अभी। निकाल के मिलती हूँ आप लोग से। कितना सारा घी हमने निकाल लिया है, अब इसको जो है मैं बता रही हूँ क्या करना है।
पानी लेके आ देख रहे हैं कि हमने घी निकाल चुका है। अब हम गैस ऑन करेंगे और यहाँ मैंने पानी लाया है, ये सारा पानी हम इसमें डाल देंगे और लेके इसको जितना डूबेगा उतना गर्म दे देंगे। ये हमने पानी भर दिया है, अब इसको थोड़ा सा खोलने देंगे और गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये जैसा कि देख रहे हैं आप लोग उबाल आना चालू हो गया है, थोड़ा सा और उबाल आएगा तो इसको हम लोग गैस को बंद कर देंगे और पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो आप ऊपर में व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं, देखिएगा ये पूरा घी है, पूरा से आपका जम जाएगा और आपको एक एक बूंद घी का यूटिलाइज मिल जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा इसमें घी का। चलिए आ चुका है उबाल, तब इसको गैस को हम लोग बंद कर देते हैं। A few moments later. ये देखिए कितना सुंदर से जम गया है। अब इसे हम लोग कुछ नहीं ऐसे उठाएंगे हाथ से और ऐसे ऐसे करके अलग एक कटोरी में रखेंगे उसको, क्योंकि इसमें पानी है ना, तो पहले हम लोग इसको खत्म करेंगे। देखिए देखा आप लोगों ने कितना ज्यादा घी निकला है उस तरह से करने से। इसको हम लोग पहले यूज करेंगे, अभी ठंडा का दिन है तो ऐसे ही जम जा रहा है, गर्मी में आप लोग फ्रिज में रख दीजिएगा। ये सारा आप लोग हाथ से ही ऐसे उठा लेंगे। पूरा हम लोग इसी तरह से निकाल देंगे, कितना ज्यादा घी है। देखिए और निकालते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि पहले इसी को खत्म करिएगा, उसके बाद में फिर वो घी यूज कीजिएगा। तो कैसा लगा आप लोग को? इसका हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, ये तो ज्यादा है, मैं हाफ ही बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे प्याज और हरी मिर्च काट के रखा है, दो प्याज और एक तीन हरी मिर्च। अब पहले डालेंगे हम लोग जीरा, चावल के साथ रोटी के साथ पराठा के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने थोड़ा सा यूज किया था, अब उसका हाफ पोर्शन मैं अभी यूज करूंगी, तो इसके लिए मैं ये डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने काट लिया है लंबे लंबे मिर्ची, 4-5 मिर्ची है, हरी मिर्च जैसा आपको पसंद, और ये 4-5 छोटे प्याज है लंबा लंबा करके काटा है, और ये टमाटर। अब चलिए दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे हल्का सा जीरा। तो ये मैंने यहाँ पर हल्का सा जीरा ले लिया है, इसे हम लोग तेल में दे देंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो गया और मैंने जीरा डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ध्यान से दे उठता है, अब फिर डाल देंगे हम लोग इसमें प्याज। हम लोग
चाहिए दोनों फ्राई कर सकते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सॉटे हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी। जितना प्याज और टमाटर है बस उसी भर पे हम लोग नमक हल्दी देंगे, इतना ही हमें लगेगा। नेपाली में छुर्पी बोलते हैं, आप छुर्पी इसको नाम दे सकते हैं। ये आप लोग पनीर सोच के मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये टूटने लगता है, इसीलिए पनीर का काम ये नहीं करेगा। बोलो पनीर जैसा आप लोग भुर्जी बना सकते हैं इसका, ब्रेकफास्ट है, चावल के साथ है, पराठा के साथ है, बहुत अच्छा लगेगा इसको। अब इसे हम हल्का सा पकने देंगे हल्का आंच पे। तो ये तो घी है, अब आप लोग कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका पराठा बनाऊंगी। आप पराठा है, रोटी है, रोटी में घर सकते हैं, नॉर्मल घी ही है, बस आपको इसको पहले ख़त्म करना है जैसा कि मैंने बोला। तो इसको मैंने अलग से कटोरी में निकाल लिया है। तो चलिए अब इसका पराठा बना लेते हैं और मिलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, तो ऊपर से धनिया पत्ता ऐड करके पराठा रोटी की सब्जी खा लीजिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आइडिया। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।